अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैंने आपको पूरा विजिट करवाया खैबर शनवारी का, जो कि इस्लामाबाद का एक बहुत ही मारूफ रेस्टोरेंट है खैबर शनवारी। इसकी सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि यहाँ पे ताज़ा गोश्त कटता है और वो आपके ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पे तैयार होता है। आपने नमक कितना खाना है, मिर्च कितना खाना है, बड़ा खसूसी किस्म का जो शनवारी की खसूसियत है वो हमें यहाँ मिलती है और सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात, और ये सारे मनाजिर मैंने आपको दिखाई भी हैं बनता पे सारा कुछ। ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। पाकिस्तान की एक अजीम पर्सनैलिटी, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक और रूहानी तौर पर बड़ी मजबूत शख्सियत है, और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके गले के अंदर वो खसूसी ताजगी बख्शी है जो कि बहुत कम गलों में हमें सुनाई देती है। पाकिस्तान के नामवर सिंगर से पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इस रूह ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चंद मखसूस खूबसूरत आवाज़ों का इंतखाब किया। उसमें से खूबसूरत आवाज़ जनाब हमारे भाई हरदिल अजीज़, आपके पसंदीदा, जिनकी आप फरमाइश करते हैं कि जी कोक स्टूडियो का ये गाना लगा दें, मुलाजिम हुसैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस वीलॉग के अंदर। और थैंक यू वेरी मच मुलाजिम भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हमें खसूसी तौर पे इनवाइट किया है, ये इनकी मोहब्बत है। मुलाजिम भाई ने आज हमें खैबर शनवारी रेस्टोरेंट में इनवाइट किया है। जब तक खाना यहाँ पहुँचेगा, जब तक हमने सोचा कि रिजवी साहब ने बहुत ज्यादा मेरी तारीफ कर दी है, खुद बहुत बड़े कलाकार हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और इनकी मोहब्बत है, बड़े दिनों से टाइम नहीं दे रहे थे, बड़ा मुश्किल से पकड़ा इनको। बड़ा एक कर्म की बात है ये, सो थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मुलाजिम भाई ने खुसूसी तौर पे यहाँ पे इनवाइट किया है और हमने सोचा कि मुलाजिम भाई की और हमारी जो एक्टिविटी है आज की वो हम आपसे जरूर शेयर करें, हम आपको जरूर बताएं। और ये कैमरा अभी चलता रहेगा, आपके सामने खाना भी यहाँ पे पेश किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं जनाब, गर्मा गर्म जो है शनवारी की खसूसी नान जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और गर्मा गर्म कढ़ाइयाँ जो है वो भी आ चुकी हैं। ये सारा है तमाम जनाब, ये लंगर है मुलाजिम हुसैन है जनाब आज का, जी हुसैनी लंगर है, और ये गर्मा गर्म जो है खाना भी आ चुका है। और इससे पहले मुलाजिम भाई जी, आपके चाहने वाले, आपको पसंद करने वाले जी, आपको देखने वाले खासतौर पे वो लोग जो हमेशा चाहते हैं कि आप उनके दरमियान हो, आज हमने पूरी मुलाकात तो नहीं लेकिन इस वीलॉग के जरिए एक आधी मुलाकात आपकी इनसे जरूर करवा दी है। अपने फैंस को, अपने मुहिब्बान को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, तो सुरीले सा पैगाम दे दें ताकि वो एक रस्म दुनिया भी पूरी हो जाए। लो जी, कढ़ाई बड़ी खूबसूरत पड़ी हुई है, पानी आ रहा है मुंह में, और मैं वैसे ही उससे पहले थोड़ा सा मैं जरा एक हमारे राजस्थानी, अगर थोड़ा सा कैमरा नजदीक आ जाएगा तो मेरे ख्याल में आवाज की थ्रू, ए भैया प्यारी थोड़ो वाह दारुड़ो मारो बदिलो पीरे रो, क्या कहने, ए भैया प्यारी, भैया प्यारी थोड़ो दारुड़ो मारो बादिलो पीवे रो, मेरा पैगाम है राजस्थान की मिट्टी को। क्या बात, खाना पड़ा हुआ, क्या बात है, नहीं खाना तो पड़ा हुआ है लेकिन देखें अल्लाह ताला ने किसी को सुरों के मलका बनाया, ठीक है, और माशाल्लाह गुजरते हुए वक्त, बाद गुजरने के वक्त जो गुजर रहा है वक्त, उसके साथ साथ सुरों का ताज आपके सर के बहुत करीब पहुंच चुका है। नहीं नहीं, ये मैं हकीकत बता रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि दो लफ्ज सिर्फ और सिर्फ नूर जहां मर कहता नूर जहां, अच्छा जी, कि दो लफ्ज रात फैली है तेरे सुर में आज की तरह, क्या बात है, रात फैली है तेरे सुर में आज की तरह, चांद निकला है उसे की तरह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है तेरे, क्या बात है, सलामत रहे
जी हैं हमेशा हजारों साल। तो जनाब ये थे मुलाजिम हुसैन और डिनर यहाँ पे पहुंच चुके हैं, आपने कैमरे की आंख से देख लिया है ये रायता, ये गर्मा गर्म कढ़ाई की थोड़ा सा ये दिखाइए ना जनाब, एक वैरायटी ये है कढ़ाई की और एक वैरायटी जो है ये है कढ़ाई की और इसके अंदर भी कुछ सरप्राइज मौजूद है, ये जनाब रायता मौजूद है, ये हरी मिर्च मौजूद है और आप देख सकते हैं कि सैलेड भी मौजूद है फ्रेश और रायते के अंदर जो है ताज़ा भुना हुआ जनाब जीरा भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है। इस खाने के बाद कहवे की भी एक नशिस्त होगी। ये सारे मनाजिर आपसे मैंने शेयर करने थे और वो जो आपसे मैंने शेयर किए, अब आपने ये करना है, आपने हमारी इन बातों को, हमारी इस एक्टिविटी को अपने दोस्तों के साथ शेयर आपने जो है वो लाजमी करना है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर पता है ना, फिर फायदा, फिर आपसे नाराज हो जाएंगे, फिर हम आपसे नाराज हो जाएंगे। तो जनाब ये वीडियो का क्लिप जो है, ये जो वीलॉग है, हम मुलाजिम भाई के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उस पर भी देखने की सआदत हासिल कर सकते हैं और अथरिसवी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर तो आप देखेंगे। सासे रही साथ, जिंदगी ने एक मरतबा दोबारा वफा की, दोबारा मुलाकात होगी। सुपुर्दे मौला।